इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करेंगे ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन होल्डिंग। ICAI हैज फाइनली रिवाइज्ड द कॉन्सेप्ट अंडर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 की चेन होल्डिंग की अकाउंटिंग आप किस तरीके से करेंगे। उन्होंने नया फॉर्मेट पूरा का पूरा अपनी बुक के अंदर में बता दिया है और इस वीडियो के दौरान हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद द क्वेश्चन गिवन बाय ICAI। Now, what is chain holding? There is a holding company which has a subsidiary and which has a sub-subsidiary. ठीक है? तो holding company ने अगर consolidation करना है तो sub-subsidiary का consolidation कौन से basis पे करना है? जैसे कि holding company के पास subsidiary के 80% shares है और sub-subsidiary के 70% shares है, तो ऐसे में consolidate करते समय मतलब क्या चीजों के अंदर में फर्क आया है? बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, बस अब कैपिटल रिजर्व का जो कैलकुलेशन है उसमें फर्क आ जाता है, उसमें फर्क आ जाता है अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल की बात करेंगे तो। पहले क्या होता था, पहले हम लोग सब सब्सिडियरी के प्रॉफिट्स को दो टुकड़ों में बांटते थे, प्री और पोस्ट। फिर प्री में दो टुकड़ों में बंटता था, सब्सिडियरी का शेयर 70%, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर 30%, जो दोनों में होता था, प्री में भी और पोस्ट में भी। ठीक है, प्री वाला पार्ट चले जाता था गुडविल कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन के लिए और पोस्ट वाला पार्ट चले जाता था पोस्ट ऑफ सब्सिडियरी में ऐड होने के लिए। फिर जो सब्सिडियरी के प्रॉफिट्स थे उन्हें भी हम दो टुकड़ों में बांटते थे, प्री और पोस्ट। पोस्ट वाले पार्ट में पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी ऐड हो जाता था। उसके बाद में इनके दो टुकड़े होते थे, होल्डिंग कंपनी और NCI। होल्डिंग कंपनी का शेयर 80% और NCI का शेयर 20% दोनों में स्प्लिट हो जाता था। अल्टीमेटली जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी है उसमें NCI को न केवल पहले का 30% मिल रहा है, 30%, बट अफेक्टिवली 20% और मिल जाता है, 20% और मिल जाता है, बट 20% ऑफ होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी शेयर। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि NCI का शेयर सिर्फ 30% ना होके 30% से थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो होल्डिंग कंपनी का शेयर अंडर सब सब्सिडियरी इज नॉट 70%, उनको 70% नहीं मिल रहा, उनको तो रैदर 70% का 80% ही मिल रहा है, बराबर है ना? पहले 70% आता है, फिर आप 70% का और फर्दर यहां पर 80% स्प्लिट कर रहे हो, क्लियर है? तो इसका मतलब उनको सिर्फ 70% नहीं मिल रहा है, उनको 70% का भी 80% मिल रहा है। यानी होल्डिंग कंपनी का सब सब्सिडियरी में शेयर मैं बोल सकता हूं 80% ऑफ 70 है, विच इज 56%, बराबर। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का इसका मतलब शेयर हो गया 44%। देख लेते हैं, देखिए सब सब्सिडियरी का आपका जो शेयर आया था वो आया था 70%, जो भी उनका प्रॉफिट आया था उसका 70% आप सब सब्सिडियरी से लेके यहां पे आए थे ऐड करने, उसका 20% और मिल गया उनको, 14% टू NCI। यानी NCI को सिर्फ 30% नहीं मिल रहा है, 44% मिल रहा है, बोल सकते हैं, बराबर है? यानी पहले भी यही होता था, अभी भी यही करना है, पर अब दो बार एलोकेशन की जगह वो बोलता है आप वन टाइम एलोकेशन करके इसे क्लोज कीजिए। वन टाइम एलोकेशन कैसे होगा कि होल्डिंग कंपनी जब अपनी सब्सिडियरी को अपने बुक्स में अकाउंट कर रही है तो 80% प्रॉफिट्स अकाउंट करेगी, पर जब वो अपने बुक्स में सब सब्सिडियरी को यानी सब्सिडियरी की सब्सिडियरी जिसमें 70% शेयर है उसे कंसो करते समय 56% लेगी, विच इज नथिंग बट 80% ऑफ 70%, 56% उसके प्रॉफिट्स कंसोलिडेट करेगी। NCI
सब्सिडियरी जो अपनी है उसका तो 20% ही होगा, पर सब सब्सिडियरी का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 44%। दिस इज द चेंज। तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट आया क्या? नहीं। कंसोलिडेशन में रिटेन अर्निंग हमारा उतना ही आ रहा था जितना पहले आ रहा था, उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं है। इंपैक्ट है गुडविल कैपिटल रिजर्व के कैलकुलेशन में, बस उसके अलावा और कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं आया। ठीक है, चलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। जिन लोगों ने पहले चेन होल्डिंग नहीं पढ़ी है, मैंने अभी तक के जो बातें बोली उन लोगों को लग सकता है सर हमको तो पहले का पता ही नहीं था, तो हम लोगों को इससे क्या लेना देना। तो मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया साथ साथ में, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। आपके जो भी प्रॉफिट्स हैं हम लोगों ने अब कंसोलिडेशन पूरा पढ़ लिया, हम उनको दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, प्री और पोस्ट, एक्विजिशन डेट तक के प्री, उसके बाद का पोस्ट। अब अपनी सब्सिडियरी की एक और सब्सिडियरी है, अपनी सब्सिडियरी की एक और सब्सिडियरी है, तो उसका जो प्री वाला पार्ट है वो कहाँ जाएगा? गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में, और पोस्ट वाला पार्ट सब्सिडियरी के पोस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपना सब्सिडियरी के शेयर में पूरा 80% हिस्सा नहीं बनता, या पूरा 70% हिस्सा नहीं बनता, दोनों में से जो भी बोल लो आप। उसके 70% प्रॉफिट्स होल्डिंग कंपनी के, यानी उसकी होल्डिंग कंपनी, सब सब अपने को पूरा नहीं मिलेगा, अपना हिस्सा उसमें से 80% है। तो अपन पूरा हिस्सा क्यों कंसोलिडेट करें? अपन ने 56% ही कंसोलिडेट करना चाहिए। इसे एक और केस में समझाया गया है, उन्होंने बोला कि सपोज होल्डिंग कंपनी के पास सब्सिडियरी के 80% शेयर्स है, सब्सिडियरी के पास सब सब्सिडियरी के 70% शेयर्स है, और होल्डिंग कंपनी के पास इसके डायरेक्टली 10% शेयर्स भी है, तो ऐसे में कंसोलिडेशन कैसे होगा? होल्डिंग और सब्सिडियरी के बीच में तो 80% ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां एनसीआई 20% हो गया। होल्डिंग के बुक्स में सब सब्सिडियरी का कंसोलिडेशन करते समय अपन क्या लेंगे? 80% ऑफ 70%, विच इज 56%, और अपने पास डायरेक्ट होल्डिंग है 10%, इसीलिए वो पूरा ऐड होगा, उसमें परसेंटेज नहीं लगाएंगे। अपने पास डायरेक्ट होल्डिंग है तो +10% यानी 66%। और अब इसका जो एनसीआई है उसका अपन अकाउंटिंग करेंगे 34% पे। पॉइंट क्लियर है? और यही स्प्लिट 66-34 वाला स्प्लिट, या इससे पीछे वाले एग्जाम्पल में 56-44 वाला स्प्लिट, हम लोग ध्यान में रखेंगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे फॉर गुडविल या कैपिटल रिजर्व। इसके आगे की कहानी मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्वेश्चन के साथ समझने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स लुक एट दिस इलस्ट्रेशन गिवन बाय इंस्टीट्यूट। मैंने इसे डाउनलोड सेक्शन में भी रख के रखा है, आप वहां से भी ले सकते हैं, आईसीआई के बीओएस नॉलेज पोर्टल में से आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें इलस्ट्रेशन 29 डील्स विद चेन होल्डिंग। Prepare the consolidated balance sheet on 31st March 2002 of group companies comprising P and SS। हम बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि P के पास S के 16 लाख शेयर्स है और S के पास SS के 12 लाख शेयर्स है। 12 लाख शेयर्स। शेयर कैपिटल देखे तो 400 और 320 दिया हुआ है आप लोगों को, 10 ईच यानी 40 और 32, 40 और 32। 40 में से आपके पास 16 लाख शेयर्स है, तो यहाँ इंस्टीट्यूट की से एक छोटी सी गड़बड़ भी हुई है। शेयर्स ऑफ 10 ईच बोल के रखा हुआ है, पर नीचे उन्होंने बोला है पी होल्ड्स 80% शेयर्स इन एस एंड एस होल्ड 75% शेयर्स इन SS अक्वायर्ड ऑन 30th September 2001। तो मटेरियल एडिट होके आ गया, पर गलतियाँ करने की आदत अभी भी नहीं छूटी है, वैसी वाली कहानी है। कोई नहीं, यहां शेयर होल्डिंग को चेंज कर दीजिएगा, मैं यहां एडिट नहीं कर पाऊंगा। कंसिडर्ड टू बी 32 लाख शेयर्स इन SS एंड 24 लाख शेयर्स इन 32 लाख शेयर्स इन S एंड 24 लाख शेयर्स इन SS।
जो आपका बराबर 80 और 75% बन जाता है। उसके बेसिस पे अपन कंसोलिडेट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बोला गया है कि ये दोनों की देनो एक्विजिशन आपके 30th सितंबर 2001 को है, डेट का ध्यान रखिए 30th सितंबर 2001। बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ऑल द कंपनीज आर नॉट सीजनल इन नेचर एंड देयरफॉर इट कैन बी अज्यूम दैट प्रॉफिट्स अकर इवनली थ्रू आउट द ईयर। फर्स्ट अप्रैल 2001 SNSS के रिजर्व दिए हैं। देखिए एक्विजिशन डेट 30th सितंबर है, मिडिल ऑफ द ईयर, हमारा ईयर एंड 31st मार्च है, और आपको रिजर्व्स वगैरह का बैलेंस दिया हुआ है एस और एसएस का 80, 20, 60 और 30, ठीक है। 10 lakh included in the inventory of S is the inventory that has been purchased from SS at cost plus 25%. तो ये तो हमारा post adjustment है, बाद में देखेंगे। Parent company has adopted a policy of measuring non-controlling interest at fair value. Assume market price of S and SS are same as their face value. Face value को ही fair value assume किया गया है, fair value method यहाँ पे लगाना है हमें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो एक्विजिशन वगैरह के परसेंटेज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। पी एस एन एस एस के बीच में किस तरीके का मेजरमेंट होगा, पी एस और एस एस। पी के पास एस के 80% शेयर्स है, एस के पास एस एस के 75% शेयर्स है, यानी कंसोलिडेट करते समय जब पी एस एस को कंसोलिडेट करेगा तो 80% ऑफ 75% 60% कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे अपन अपना प्री और पोस्ट का स्प्लिट भी करेंगे एस और एसएस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों का परचेज कंसिडरेशन वाला जो मेथड रहता है वो हम लोगों को लगाना है, परचेज कंसिडरेशन एस एस एस। इन्वेस्टमेंट्स जो दिख रहे हैं अब वो हमने कैश में दिए होंगे या फिर शेयर्स में, वो सब हमें नहीं पता। 340 और 280 का वैल्यू है इतना हमें पता है, तो मैं पहले 340 से शुरू करूंगा, ठीक है। एसएस के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, फेस वैल्यू को ही फेयर वैल्यू माना गया है, तो फेस वैल्यू हम लोग यहाँ देख सकते हैं 400 एस का 400, 20% है एनसीआई का शेयर, विच इज 80, नेट एसेट्स के लिए शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व एंड सरप्लस जो भी हमें दिया है सब ले लेते हैं। 400, 80 और 20, 420 कंपेयर टू 500 कैपिटल रिजर्व आ रहा है इस बार हमें 80 का, क्योंकि हमने कम पैसों में ज्यादा एसेट्स अक्वायर किए हैं। आई होप यहां तक के क्लियर होगा। नाउ चेन होल्डिंग में एसएस में क्या फर्क पड़ता है, एसएस के शेयर्स आपने परचेज किए हैं 230 280 में, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उससे पहले मैं आपको एनसीआई समझा देता हूं कि एनसीआई 40% है, 40% फेयर वैल्यू इज सेम एज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज 320, तो 320 का 40% आएगा बराबर, और आप बोल रहे हो कि आपने इन्वेस्टमेंट्स 280 में खरीदे, रुको, आपने नहीं, होल्डिंग कंपनी ने नहीं खरीदा, खरीदा किसने है, सब्सिडियरी ने, तो सब्सिडियरी ने 200 में अपने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे। आप सोच के देखो, सब्सिडियरी जब कंसोलिडेट करेगा, सब्सिडियरी जब कंसोलिडेट करेगा, अगर वो उसकी बुक्स में कर रहा है, एसएस बीइंग कंसोलिडेटेड इन द बुक्स ऑफ एस, अभी हमको पी के बुक्स में क्या करना है वो मैं नहीं बता रहा, रुको थोड़ी देर के लिए। अगर सब्सिडियरी कंसोलिडेट कर रहा होता तो वो बोलता भैया मैंने इन्वेस्टमेंट 280 में खरीदे हैं, एनसीआई 20% है उनके लिए, 20% है, तो 320 का 20% हो गया 64, एस की बुक्स में कंसोलिडेट हो रहा होता अगर, सोचो थोड़े समय के लिए सोच लो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा,
तो वो बोलता है यहां तक के आपका हो जाएगा 344। अच्छा, अपना मिडिल ऑफ द ईयर एक्विजिशन था, तो ड्यूरिंग द ईयर वाले जो प्रॉफिट्स है उसमें भी उसका भी शेयर हम लोगों को कंसिडर करना चाहिए। तो मैं ये वाले फिगर्स वापस से रिवाइज करा के दूंगा, फिलहाल हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। नाउ एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन 1 अप्रैल, अभी मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं सारे फिगर्स चेंज करके दे दूंगा आपको। नेट एसेट्स है 320, 60 और 30। यानी 410। तो 410 को 344 से कंपेयर करोगे तो कैपिटल रिजर्व आएगा 66। ये किसके बुक्स में आया? एस के, पी के नहीं, एस के। अब सवाल क्या है कि ये कैपिटल रिजर्व में भी क्या एनसीआई ऑफ एस, एनसीआई ऑफ एस यानी पी के बुक्स में जो एनसीआई आ रहा है, उनका हिस्सा है या नहीं है? और जब गुडविल में उनका हिस्सा होता है तो कैपिटल रिजर्व में भी उनका हिस्सा होगा। कैपिटल रिजर्व इज नथिंग बट प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट्स में उनका हिस्सा होता है, तो यहां पे भी उनका हिस्सा बनेगा ही बनेगा। यानी 66 को भी आपको फर्दर बाद में स्प्लिट करना ही पड़ेगा 20% और 80% में। जिन्होंने चेन होल्डिंग पहले पढ़ा है उनके लिए पहले ये नहीं होता था, सो इंड एस में ये होगा। जिन्होंने, अब यहां पे आपका आंसर ए एस और इंड एस के हिसाब से अलग अलग आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। जो लोग पहली बार चेन होल्डिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए इट इज मतलब अ बिट लॉजिकल समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि अगर कैपिटल रिजर्व है, रिजर्व है तो रिजर्व तो हमेशा दो टुकड़ों में बटेगा ही बटेगा। पॉइंट क्लियर है? तो अगर मैं पी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही अकाउंटिंग कर रहा हूं तो पी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो एनसीआई आ रहा है वो एनसीआई तो मेरा 40% आता है, 40% बराबर। तो 40% की अगर मैं बात करूं तो 320 का 40% हो गया 128। इन शॉर्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भले ही 280 के इन्वेस्टमेंट्स है पर क्योंकि जब कैपिटल रिजर्व में ही आपका शेयर 80% है तो इन्वेस्टमेंट्स में भी आपका शेयर 80% ही होना चाहिए, पूरा 280 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं तो हम सिर्फ 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट करेंगे जब हम कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी सीआर ढूंढ रहे हैं या गुडविल ढूंढ रहे हैं वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पी ढूंढ रहे हैं, ना कि एस। तो हमारा शेयर तो उनके हर एसेट्स वगैरह जो भी है सभी चीजों के ऊपर जब हमारा हिस्सा ही 80% है, नो डाउट उनके जो टैंजिबल एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स हम पूरे हमारे बुक्स में अकाउंट करेंगे, पर ये इन्वेस्टमेंट्स हम हमारे बुक्स में अकाउंट नहीं कर रहे, बराबर। हम ये इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट नहीं करने वाले हैं। तो जब ये इन्वेस्टमेंट्स ही अकाउंट नहीं होने वाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स को हम रिजर्व कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हमारा हिस्सा इसमें सिर्फ 80% है और बचा हुआ 20% एनसीआई का जो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है 128 के वैल्यूएशन में ले लिया है, हमने डबल कर दिया जो वैल्यू हम पहले 64 ले रहे थे, वी हैव कंसिडर्ड इट टू बी 128। यानी एनसीआई ने का ये कहना है कि उनके लिए वो जो इन्वेस्टमेंट्स है 280 माइनस 224 उसकी उन्होंने फेयर वैल्यू अकाउंट कर ली है। पॉइंट क्लियर है? तो 128 विल बी कंसिडर्ड। तो यहां तक हो जाएगा 224 प्लस 128 352। रिजर्व्स वगैरह सब हमें बताए गए हैं 320, 80 एंड 60। Now, हमें 320, 60 एंड 30 हमें ना केवल इतना सा अमाउंट कंसिडर करना है, क्योंकि एक्विजिशन का डेट हमारा 30 सितंबर है तो 6 महीने के जो प्रॉफिट्स है उनको भी कंसिडर करना चाहिए फॉर नेट एसेट्स, क्योंकि हमारे पास ये जो फिगर्स है ये तो 1 अप्रैल के फिगर्स है, 30 सितंबर तक के 6 महीने और हो चुके हैं और प्रॉफिट्स इवनली अक्रू हुआ है एज पर पॉइंट नंबर टू। तो अगर हम यहां पे देखें, पहले मैं एस की बात कर लेता हूं। एस एस के आपको रिजर्व्स दिखेंगे 100, रिजर्व्स 100 जो ओपनिंग थे 80, सो देयर इज इंक्रीज ऑफ 20 ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज ऑफ 20 ड्यूरिंग द ईयर। वैसे ही रिटेन अर्निंग्स 50 दिख रही है जो कि ओपनिंग था 20, तो देयर इज इंक्रीज ऑफ 30 ड्यूरिंग द ईयर। तो हम लोगों ने 6 मंथ्स हाफ यहां कंसिडर कर लेना चाहिए फॉर प्रॉफिट्स। तो 180, 20 और 30, 20 और 30 का 50%, 6 महीने का प्रॉफिट 10
और 15 भी कंसिडर कर लेना चाहिए टू बी द पार्ट ऑफ नेट एसेट्स, 525। ठीक है, इसका मतलब कैपिटल रिजर्व आएगा 105। सेम वे हम एसएस के लिए भी करेंगे कि एसएस के रिजर्व 60 से 80 हो गए, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20, और 30 से 60 हो गए, देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 30। सेम 20 और 30, यानी कि 10 और 15 यहां पे भी हम लोग बढ़ा देंगे, तो ओवरऑल आपके जो एसेट्स हैं वो हो जाएंगे 435 कंपेयर टू 352, 83। पॉइंट क्लियर है? तो कैपिटल रिजर्व आएगा 105 और 83। ये प्योरली होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन हुआ है। सिर्फ होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें एनसीआई का कोई भी शेयर नहीं है। क्लियर? तो ये हम लोग हमारे बैलेंस शीट में ले लेंगे। आई होप यहां तक का कैलकुलेशन क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट द पोस्ट एक्विजिशन पार्ट्स वाइल अकाउंटिंग। एस और एसएस पोस्ट एक्विजिशन वाले कैलकुलेशंस, क्योंकि यहां फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स वगैरह नहीं है, एसेट इंक्रीज वगैरह, तो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट अप विद पोस्ट। रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स 10 और 15 हमें लेना है। अब मैं आपको एक पॉइंट का एडजस्टमेंट भी बता देता हूं, विच वॉज पॉइंट नंबर 4। 10 लाख इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री ऑफ एस, किसकी इन्वेंट्री में? एस की इन्वेंट्री में, हैज बीन परचेज फ्रॉम एस एस एट अ कॉस्ट ऑफ 25%, एट अ कॉस्ट ऑफ 25%, कॉस्ट प्लस 25%। तो 10 लाख रुपए के ऊपर सामने वाले ने कुछ प्रॉफिट कमाया जो ईयर एंड में इन्वेंट्री में पड़ा है, विच इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एसएस। तो एसएस के प्रॉफिट्स में इसका एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। तो कॉस्ट पे 25% यानी सेल वैल्यू पे 20% यानी 2 लाख, 2 लाख रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हम लोग एसएस के प्रॉफिट्स में से कम कर देंगे, एसएस के प्रॉफिट्स में से कम कर देंगे। तो यहां तक के हो गया 25 और 23, जो दो टुकड़ों में बटेगा, पी का शेयर और एनसीआई का शेयर। पहला वाला तो सिंपल है, 80-20, 20 और 5। दूसरा वाला हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 60 और 40, 13.8, 9.2। आई होप ये वाला पार्ट भी आपका क्लियर होगा। हर पॉइंट को मैं आपके आंसर के साथ में मैच करवा देता हूं। एट और सिक्स, 12 और 7.8, 8। यहां अलग अलग एडिशंस हुए हैं रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स के, तो लेट मी जस्ट स्प्लिट इट into separate parts। जिसमें unrealized profit हम लोगों को 2 का adjust करना है, so just 10, 15, 10, 13। पी का शेयर और एनसीआई का शेयर 8, 2, 12, 3, 6, 4, 7.8, 5.2, 8, 6, 12 और 7.8, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई होप यहां तक के पूरा का पूरा क्लियर होगा आप लोगों को किस तरीके से पूरा का पूरा एडजस्टमेंट
करना है। वी मूव अ बिट मोर अहेड, अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग बना लेते हैं। तो पहला तो था हमारा परसेंटेज कैलकुलेशन, दूसरा पार्ट था कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन, तीसरा पार्ट था पोस्ट स्प्लिट, चौथा पार्ट है कंसोलिडेटेड रिजर्व्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है, या कंसोलिडेटेड अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी। तो इसके अंदर में हमारे आ रहे हैं रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और अब एक कैपिटल रिजर्व भी आ गया है। तो यहां सबसे पहले मैं पी के पूरे शेयर्स लिख लेता हूं। पी के बारे में जो हम लोगों को डेटा दिया है वो है 180 और 160। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से अगर हम बोले तो 188 का कैपिटल रिजर्व आया, 105 और 83 का टोटल बराबर है। और अब एस और एसएस के हमारे जो शेयर्स आए वो है 8 और 12 और 6 और 7.8। तो यहां तक के हो जाएगा 180 प्लस 8 प्लस 6 194, और 160 प्लस 12 प्लस 7.8 179.8, और 188 ओवरऑल अगर आप बोलें तो आपका अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी हो जाएगा 561.8। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ एनसीआई वर्किंग नोट नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने पहले फेयर वैल्यू लिया था इन लोगों का एनसीआई कैलकुलेशन का 80 और 128, ठीक है, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग में इनका शेयर बनता है 2345.2, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने कंसिडर किए थे कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन में देखिए ऑफसेटिंग कैसे हो रहा है। हम बोल रहे हैं कि हमें 340 के इन्वेस्टमेंट्स के बदले में, 340 के इन्वेस्टमेंट्स के बदले में 525 के नेट एसेट्स हमारे बुक्स में अकाउंट करना है ऑफसेटिंग। तो हम लोग 80 का एनसीआई भी हमारे बुक्स में दिखा रहे हैं और बाकी का 105 का कैपिटल रिजर्व, बराबर है। वैसे ही जब हम एसएस की बात कर रहे थे तो हम 280 के इन्वेस्टमेंट्स की जगह 224 के इन्वेस्टमेंट्स की जगह 435 के नेट एसेट्स अकाउंट कर रहे हैं, यानी 128 का एनसीआई और 83 का कैपिटल रिजर्व, याद रखिए, ठीक है। बट हमारे बुक्स में तो इन्वेस्टमेंट्स 280 के दिख रहे हैं। द पॉइंट इज वो जो डिफरेंस है 280 और 224 का डिफरेंस 56, ये 56 किसका है, ये 56 एनसीआई का है। तो सीधी बात है कि इसे अकाउंट करते समय एनसीआई की बुक्स में ट्रांसफर कर देना चाहिए। इनफैक्ट ये 56 के इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में ही तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो फेयर वैल्यू रिसीवेबल है एनसीआई का वो 128 है। 128 का जो फेयर वैल्यू आया 128 उसी बेसिस पे है। प्रॉफिट्स में उनका शेयर 4 और 5.2 जो आया है वो भी हम उसी बेसिस पे बोल रहे हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट्स यही एडजस्ट हो जाना चाहिए। नाउ रिमेंबर एनसीआई हैज अ क्रेडिट बैलेंस एंड इन्वेस्टमेंट हैज अ डेबिट बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप एडजस्ट कर रहे हो एनसीआई के साथ तो ये 56 डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्ट क्यों हो जाएगा कि आउट ऑफ 80 का फेयर वैल्यू उनके 56 के तो इन्वेस्टमेंट्स है। ऐसा सोचो आपने एनसीआई ऑफ एस में बोल रहे हो कि उनका फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 80, जिसमें से 56 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, 56 के इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में हम उन्हें 128 के फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स और 4 और 5.2 का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो सीधी बात है उसमें से उनके शेयर में से उनका 56 डिडक्ट भी तो होगा। भैया तुमको तुम्हारा शेयर चाहिए तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का हिस्सा भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई 56 इज टू बी डिडक्टेड। नाउ ऑलवेज रिमेंबर 56 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है चेन होल्डिंग में उसके हमेशा दो टुकड़े होंगे। तो इसके बेसिस पे अगर अपन कैलकुलेशन करें तो अपने एनसीआई का वैल्यूएशन आ जाता है 29
और 137.2, ठीक है। आई बिलीव यहां तक के कैलकुलेशंस पूरे क्लियर होंगे, हम लोगों ने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं। वी कैन स्टार्ट विद द बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीपी दिख रहा है 320, 360, 300, तीनों ऐड होंगे। इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों को ऐड नहीं करना है, उसके अगेंस्ट में कैपिटल रिजर्व आ चुका है। इन्वेंटरी ऐड हो जाएगा 220, 70 और 50। इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट हटा देंगे, 338। फाइनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल 260, 100 और 220। बिल रिसीवेबल 72 और 30। कैश एंड कैश इन हैंड 228, 40, 40। देन कम शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें सिर्फ हमें 600 लेना है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ इक्विटी का टोटल हमने लिया था 561.8। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हमने टोटल नहीं लिया है, 137.2 और 29, 166.2। ट्रेड पेबल्स 470, 230 और 180। अब हमें बिल्स पेबल दिख रहे हैं 30 और 70, जो इंटर कंपनी है 100, तो 100 शुड बी एडजस्टेड। यहां पे अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है कि पी हैज अ बिल पेबल टू एस ऑफ 70, पी हैज अ बिल पेबल टू एस ऑफ 70, यानी एस की बुक्स में बिल रिसीवेबल दिखना चाहिए। नहीं सॉरी, एस की बुक्स में बिल पेबल है 72P, मैंने उल्टा पढ़ लिया। एस की बुक्स में बिल पेबल दिख रहा है लायबिलिटी विच इज टू पी, यानी पी की बुक्स में बिल रिसीवेबल दिखना चाहिए। पी की बुक्स में बिल रिसीवेबल 72 दिख रहा है, तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। देन इन द बुक्स ऑफ पी बिल पेबल दिख रहा है टू एस एस 30, बिल रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ एस एस दिख रहा है हमें 30। तो ये इंटर कंपनी ओइंग्स है, इंटर कंपनी ओइंग्स हम हटा देंगे, अनलेस क्वेश्चन में बताया गया हो कि दे हैव बीन डिस्काउंटेड आउटसाइड, नथिंग लाइक दिस हैज बीन रिटन ओवर हियर। तो हम लोग जो बिल रिसीवेबल लिखे थे उसमें से 70 और 30 रिड्यूस करके 2 पे ला देंगे। चलिए फाइनली वी कैन एंड दिस, क्लोज दिस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है रिलेटेड टू चेन होल्डिंग।
जो क्वेश्चन पहले की बुक के अंदर में था, यानी मेरे नोट्स के अंदर में भी जो क्वेश्चन